गांव से कुछ लोग आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो नमस्कार नमस्कार, बैठिए। मालती भाभी को बुलाती हूँ। नमस्ते, बैठिए। आने वाले कार्तिक महीने में मंदिर की पूजा करने की सोच रहे हैं। पहले सब मुत्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिर में पूजा करवाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोगों ने मंदिर में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। आप जैसे गांव के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हक जता रहे हैं बहन। मालिक कहकर? हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पति ने इस गांव की 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा होने वाला था कि उनका देहांत हो गया। आज उसकी कीमत 18 करोड़ है बहन। इधर मंदिर का नया धर्म रक्षक है ना, वो भैरव, वो कैसे भी करके उस जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस राक्षस से भिड़ने की हिम्मत यहाँ पे किसी में भी नहीं। हम सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गांव और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है। उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है। मैं क्यों चाचा जी? सत्यराज, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। इस पद के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गांव जाकर पूजा खत्म होने तक वहीं रुकेंगे। उस 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। ठीक है। चिका, उधर देखो। बहुत सही था ना? गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लीली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय हाय, चीयर गर्ल्स, आजा 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 आजा। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं छोड़ो, राजा किधर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए। पंच जबड़ा हिलाने वाला। मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए। मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई? गिरवी रखने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके, चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी छी, नहीं जी सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता, हाय। राजा, ये देख गीता ही है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है, उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ? No problem. इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। Hey! 3,000 रुपए फायर इंटरेस्ट, सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चलेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलेगा। ले लो, अरे नहीं चाहिए। हाँ, मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए, चुप हो जाए गीता, आप गलत मत समझिए। कॉफी, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना? थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Thank you.
साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था। वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो, उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में क्या? हाँ उधर ही। चलो चलो पीछे 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 पीछे, पीछे करो पीछे। हाँ थोड़ा और। ए रुक रुक, ए फोन दे, फोन दे। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना, मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँच कर कॉल करती हूँ। ओके तो ठीक है। अबे okay. तू, अबे मेरे पास 4 टिकट है, इधर 1 सीट खाली होगी, उधर 1 सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। मजा आ गया। अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय।